Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Dear students, in previous lecture we have discussed about the Thomson's model of atom, and today we will discuss about the Rutherford's model of atom, and it will be the lecture number 6 of this chapter, structure of atom. So dear students, now let us start the Rutherford's model of atom. Lekin isko start karne se pehle, ye discuss karne se pehle, hame dekhna hai ki Rutherford's experiment, yani Rutherford ne kya experiment kiya, wohi hum pehle discuss karenge. Uske baad hum discuss karenge iska model, Rutherford's model of atom. Isne ek experiment kiya hai, jisko alpha scattering experiment kehte hain. To inhone 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया है. उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी थिन गोल्ड फॉइल पे की. तो फिर उसके जो रिजल्ट्स वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किए वो हम इसमें अब डिस्कस करेंगे. इन 1911 अर्नेस्ट रदरफोर्ड परफॉर्म्ड सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट in which he bombarded thin foil of metal like gold with a beam of fast moving alpha particles. Isne alpha particles ki bombari ek thin foil of gold pe ki. Theek, aur ye jo thin foil, thin sheet of gold ki jo li, isne uski jo thickness thi wo hai about 2.1 into 10 raised to the power -7 meter, yani bahut hi thin thi wo. To ye experiment isne kaise kiya, ye dekhiye students, main aapko iski diagram dikhana chahta hu. Ye dekhiye diagram, ye block of lead hai, theek hai, aur is lead block of lead mein yahan pe radium isne liya, yani radiation ka source radio radiations यहां से निकलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो इसने यहां पे लिया वो रेडियम है, ठीक है. रेडियो, रेडियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. तो ये इसने इस ब्लॉक ऑफ लेड में लिया, ठीक है. जैसे ये गन में होती है बुलेट्स, ठीक है. तो आप इमेजिन कीजिएगा कि ये जो लेड ब्लॉक ऑफ लेड है, ये मान लीजिए ये गन है, इसमें बुलेट है, बुलेट इसमें क्या है, मान लीजिए ये रेडियम है. तो रेडियम रेडियो एक्टिव रेडिएशन का सोर्स है, ठीक है. तो यहां से रेडिएशन निकलेगी, ठीक है. तो लेकिन इसने जो यहां पे इस पे रेडिएशन वो अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की, यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलती है, ठीक है. तो चूंकि आपको मैंने बोला कि रेडियो एक्टिविटी में वो थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, ठीक है. तो अल्फा रेज इसने यहां पे यूज की, इस पे जहां से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो अल्फा रेडिएशंस हैं. और यहां पे एक स्लिट यूज किया, ठीक है, स्लिट, ठीक है. और ये थिन फॉइल ऑफ गोल्ड यहां पे लिया, ठीक है. ये देखिए, ये थिन फॉइल ऑफ गोल्ड है, थिन शीट ऑफ गोल्ड है, ठीक है, जिसकी थिकनेस 2.1 इनटू 10 रेज टू पावर -7 मीटर है. दैट मींस बहुत ही थिन फॉइल ऑफ गोल्ड लिया. तो ये जो यहां पे ये सर्कुलर जो आप ये पाथ देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है, ठीक है. तो ये किसकी है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है ये. और फिर यहां से जो रेडिएशंस निकली, तो ये देखिए, जब यो थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे जो अल्फा रेज पड़ गई तो वो पास हो गई थ्रू दिस थिन फॉइल, और यहां पे स्पार्क्स आ गई किस पे, स्क्रीन पे, ठीक है. तो यहां से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो इस थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे पड़ के फिर स्क्रीन पे पड़ती हैं, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, वहां पे स्पार्क्स आते हैं. तो ये देखिए, फिर से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसने क्या किया, एक रेडियम लिया, दैट मींस रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, किसमें लिया,
ब्लॉक ऑफ लेड में लिया, ठीक है, इस चैम्बर में लिया, तो यहाँ से रेडिएशन्स निकलते हैं, अल्फा रेज यहाँ से निकलती हैं, तो यहाँ पे एक सिलिट यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो है, यहाँ पे इसने क्या रखा, ये थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, तो जो ही अल्फा रेज इस थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे पड़ गई, वो क्या पास हो गई थ्रू दिस थिन फॉइल, और यहाँ पे स्पार्क्स आ गई किस पे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। तो लेकिन इसने जो कन ये जो ऑब्जर्वेशंस वहां पे, इसकी जो ऑब्जर्वेशंस है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शंस, ये विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शंस है, यहाँ पे रॉन्गली विद अंडरगोइंग डिफ्लेक्शंस है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट, स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन है, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो पास हुए इस थिन फॉइल में वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन हुई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू दिस थिन फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट हो गए, वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए कुछ अल्फा पार्टिकल्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बैक हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बैक हुए, यानी वो वापस आ गई, जो ही वो अल्फा जो ही वो गोल्ड फॉइल के साथ टकरा गई तो वो वापस आ गए वो अल्फा पार्टिकल्स। मैं स्टूडेंट्स आपको फिर से ये फिगर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, इस मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो रेडिएशन अल्फा रेज यहाँ से निकलती हैं, वो इस थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे पड़ती हैं और वो स्क्रीन यानी इस थिन फॉइल ऑफ गोल्ड में पास होती हैं, फिर स्क्रीन पे पड़ के यहाँ पे क्या स्पार्क्स आती हैं, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो पास होते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन। ये देखिए ये फिगर स्टूडेंट्स, अब ये अल्फा रेज है, ये क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा रेज, ये देखिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हुए हैं स्ट्रेटली विदाउट एनी विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, ये स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, आप देखिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो पास होते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, तो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट होती हैं, जो ही वो यहाँ पे आती हैं इस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, जिसको इस जो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो यहाँ पे मास है सेंटर पे, इसको ये न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने नाम दिया, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे याद रखना कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट, जो ही वो इस पॉजिटिव चार्ज स्पेस के नज़दीक आते हैं, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के नज़दीक आते हैं, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया, तो जो ही वो यहाँ पे आते हैं ये अल्फा रेज, ये रिपेल होते हैं, ये डिफ्लेक्ट होते हैं, आप देखिए इन्होंने पाथ चेंज की, डिफ्लेक्ट हुई है, डिफ्लेक्ट मीन्स चेंज इन पाथ, ये देखिए यहाँ तर यहाँ ये जाते हैं, जो ही ये यहाँ पे आते हैं यहाँ से, तो ये यहाँ डिफ्लेक्ट होती है, ये देखिए और एक रेडिएशन, ये भी डिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये रेडिएशन, ये भी डिफ्लेक्ट हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट आप याद रखना, ऑब्जर्वेशन क्या है, जो रदरफोर्ड ने इस मॉडल ऑफ एटम से इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया, फर्स्ट की मोस्ट ऑफ द अल्फा रेडिएशंस पास विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक फिगर ये आप देखिए, अब ये जो बहुत सारे एटम्स हैं थिन फॉइल ऑफ गोल्ड में, नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, ये देखिए ये एटम्स हैं, ये अल्फा रेज हैं, अल्फा रेडिएशन इन पे पड़ते हैं, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास होते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, लेकिन ये कुछ अल्फा रेज वो डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ अल्फा रेज डिफ्लेक्ट होते हैं, और फ्यू
बहुत कम रेडिएशंस जो क्या वापस आ गई, जो डिफ्लेक्ट हो गई बैक, जो क्या वापस आ गई, क्योंकि जो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के साथ जो ही वो टकराते हैं वो वापस आते हैं, ठीक है। ये देखिए डिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये बहुत फ्यू अल्फा पार्टिकल्स हैं, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ये डिफ्लेक्ट बैक होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में फिर से हम आते हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक, डिफ्लेक्टेड बैक, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बैक हुए हैं, वापस आ गए हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पे मैंने मेंशन किया, तो व्हाट रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ही कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी एनफ सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। इसका मतलब है कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हुए हैं थ्रू द फॉइल, तो इसका मतलब है कि वहां इस एटम में क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस, एनफ स्पेस वहां पे क्या है, एम्प्टी है, वहां एटम में बहुत सारी स्पेस क्या है, खाली है। सम पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम, और क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज क्या है, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस हैं, तो जो ही वो सेंटर ऑफ एटम की तरफ जाते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, रिपल्शन होते हैं, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा रेज वहां पे डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूडेड दैट देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम, वहां पे क्या है, एक ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी एंड एट द सेंटर ऑफ एटम पे है, ठीक है। तो क्योंकि अल्फा रेज का चार्ज पॉजिटिव है, और इसीलिए जो ही वो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के साथ जो सेंटर पे है उसके नजदीक जब वो अल्फा रेज आते हैं तो वहां पे रिपल्शन होता है, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो अल्फा रेज का चार्ज पॉजिटिव और एटम के सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो वहां पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से ये अल्फा रेज वहां पे डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो वेरी हैवी डेंसर बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द एटम, क्योंकि कुछ अल्फा रेज वहां पे क्या डिफ्लेक्ट हो गई है, वापस आ गई है, तो इसका मतलब है वहां पे कुछ हैवियर डेंसर बॉडी सेंटर ऑफ एटम पे होना चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल हैवियर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम वॉज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, इसी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवीली डेंसली बॉडी जो प्रेजेंट है एट द सेंटर ऑफ एटम पे, इसको न्यूक्लियस नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस रुदरफोर्ड ने एटम का डिस्कवर किया है। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि द स्मॉल हैवियर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम वाज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, इसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, अब हम डिस्कस करेंगे जो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम है। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उसने वहां पे जो ऑब्जर्वेशंस और जो कंक्लूजन वहां पे निकाला गया, उस बुनियाद पे रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एटम दिया। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है कि रदरफोर्ड ने जब ये मॉडल ऑफ एटम दिया, उस वक्त भी न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, क्योंकि न्यूट्रॉन्स लेट डिस्कवर हुए हैं 1932 में, ठीक है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932 में, तो चूंकि रदरफोर्ड ने मॉडल 1911 में दिया, तो इसलिए याद रखना कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में हम न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। एटम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, तो रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एटम कैसे दिया, तो एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे, तो उन्होंने कहा कि एटम में दो पार्ट्स हैं, एटम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, मेन टू पार्ट्स हैं किसके, एटम के। वन इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक पार्ट है एटम का, इट इज वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम। तो ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत स्मॉल है और पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये एटम के सेंटर पे लोकेटेड है, इट इज
present at the center of atom. Almost entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. जो एटम का मास है तो वो कंसेंट्रेटेड है वो कहां पे, सेंटर पे, यानी न्यूक्लियस में सारा मास है एटम का, ठीक है, यानी सारा मास जो एटम का है वो कहां पे होता है, न्यूक्लियस पे, क्योंकि न्यूक्लियस पे ही क्यों, इसीलिए क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट किया गया रदरफोर्ड ने, जो एक्सपेरिमेंट किया वहां कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बैक हुए हैं, उसका मतलब है तो वहां पे डेंसली बॉडी होनी चाहिए जिसको न्यूक्लियस नाम दिया गया, तो इसीलिए वहां पे एंटायर मास ऑफ द एटम का क्या है, कंसेंट्रेटेड है. और सेकंड जो है, सेकंड पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इसका क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. जो स्पेस है न्यूक्लियस ऑफ एटम के जो अराउंड जो स्पेस है, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, रदरफोर्ड ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं है बट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्यूलर ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है एटम में वो स्टेशनरी नहीं है, वो रेस्ट में नहीं होते हैं बल्कि वो मोशन में होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्यूलर ऑर्बिट. दिस मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू आवर सोलर सिस्टम वायर द न्यूक्लियस इज लाइक द सन एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक द प्लेनेट्स. ये जो मॉडल रदरफोर्ड ने दिया, इट इज जस्ट लाइक द आवर, इट इज जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम, क्या सन के अराउंड जो प्लेनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. न्यूक्लियस को मान लीजिए आप सन और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लेनेट्स, ठीक है, तो सन सेंटर पे है, प्लेनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस सेंटर पे है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. तो कोई ड्रॉबैक्स यानी लिमिटेशंस क्या आए इस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की, तो क्या लिमिटेशन है, क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के हैं. इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. रदरफोर्ड was not able to explain the stability of the atom. इसने stability of the atom explain नहीं की, ये explain नहीं कर सकता है कि Rutherford's model of atom can't explain the stability of the atom. तो इस stability of atom का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा students, आप अच्छे से सुनेगा. तो students, जब एक चार्जिड बॉडी होती है, जब वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, जब एक चार्जिड बॉडी, मैं फिर से सेंटेंस रिपीट करना चाहता हूं, जब एक चार्जिड बॉडी रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में तो उसकी मोशन एक्सेलरेटेड होती है, उसकी मोशन एक्सेलरेटेड होती है. तो जब ये एक्सेलरेटेड मोशन जब इस बॉडी की होती है वो एनर्जी लॉस करती है, वो एनर्जी लॉस करती है, वो एनर्जी इमिट करती है, वो ये एनर्जी रेडिएट करती है. और जब एनर्जी वो रेडिएट करती है, जब एनर्जी वो लॉस करती रहती है ये मूविंग बॉडी इन सर्कुलर पाथ में, तो इसकी एनर्जी फिर डिक्रीज होती जाती है. जब एनर्जी डिक्रीज होती जाती है तो उसकी स्पीड भी कम होती जाएगी, तो एक स्टेज आएगा वो रुक जाएगी. और वो कैसे रुकेगी, जब एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, जब एनर्जी उसकी लॉस होती जाएगी और उसकी स्पीड कम होती जाएगी, एक स्टेज आएगा वो जिस जिस अपोजिटली चार्ज्ड बॉडी के अराउंड वो रिवॉल्व करती है तो वो उसके साथ टकराएगी, वो उसके साथ कोलैप्स हो जाएगी. तो चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिवली चार्ज है, तो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन, ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है और ये रिवॉल्व करता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस. जब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, और चूंकि इसकी मोशन भी क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक ये एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, ये एनर्जी रेडिएट करेगा, ये एनर्जी लॉस करेगा.
जब एनर्जी लॉस करेगा तो इसकी स्पीड, इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और इसकी जो स्पीड वो भी कम होती जाएगी, इसकी स्पीड विल डिक्रीज। और एक स्टेज आएगा जब इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी तो ये जो ये अपोजिटली चार्ज्ड बॉडी मीन्स कि न्यूक्लियस के अराउंड जो ये रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये उसके साथ टकराएगा, ये इट विल फॉल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्योंकि इसकी स्पीड जब कम होती जाएगी तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस की तरफ, ये न्यूक्लियस की ओर कोलेप्स हो जाएगा, न्यूक्लियस इट विल फॉल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड विल कोलेप्स विद द न्यूक्लियस। लेकिन हम देखते हैं कि एटम स्टेबल है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, यही स्टेबिलिटी ये रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं करता है। सो रदरफोर्ड्स मेन ड्रॉबैक क्या है, इट डज नॉट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम की जो मेन ड्रॉबैक है वो क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आप ये नोट भी कर सकते हैं, वी हैव थ्योरी नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जब एक चार्ज्ड बॉडी होता है, इफ अ चार्ज्ड पार्टिकल अंडरगोज एक्सेलरेटेड मोशन देन इट मस्ट रेडिएट एनर्जी, दैट मीन्स इट लॉसेस एनर्जी कंटिन्यूअसली, तो जिसकी वजह से उसकी स्पीड, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, और उसकी स्पीड, उसकी एनर्जी जब कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, और एक स्टेज आएगा वो क्या, अपोजिटली अपोजिटली चार्ज बॉडी के साथ कोलेप्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड दे आर नॉट स्टेशनरी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, दे आर मूविंग, देयर मोशन इज एक्सेलरेटेड, लेकिन वो तो फॉल होने चाहे किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज एटम इज स्टेबल, एटम क्या है, स्टेबल है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट, ये रदरफोर्ड की क्या है, लिमिटेशन है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कॉन्ट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर मॉडल ऑफ एटम, तो जिससे ये लिमिटेशन जो रदरफोर्ड की लिमिटेशन है, इसकी जो ड्रॉबैक है वो हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जिससे इस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशन दूर होते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको कहीं पे कंफ्यूजन होगा, कहीं पे समझ में नहीं आया होगा, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।